आप सभी को मेरे चैनल हेल्पफुल टॉक्स में स्वागत है। आज का वीडियो में ड्राइविंग सीट को कैसे एडजस्ट किया जाता है और सही तरीके से कैसे इसको यूज किया जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर टिप्स यही है कि दुनिया में बहुत तरह का इंसान होता है, जैसे लंबा होता है कोई, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो जो भी हो, आप उसी हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लीजिए। सीट को आगे पीछे भी किया जाता है और ये जो है पीछे का, ये भी आगे पीछे होता है, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट करिए। एडजस्ट करते समय एक बार ध्यान में रखना, आपका जो पैर है वो एकदम ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप कीजिए, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में ना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है अगर सीट सही तरह से एडजस्ट नहीं करोगे तो। और ये जो स्टीयरिंग जो हम लोग ऐसे सूता है ना, तो इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये बेंड होने से ना आप ज़्यादा दूर लॉन्ग जर्नी नहीं कर पाओगे, आपका इसमें दर्द होगा। तो आप एक ध्यान रखना, ये ऐसे थोड़ा दूर में रहने से ठीक है। और एक खास चीज़ है इस सीट में, वो है हम जब ये सीट से उठेगा ना, उठने से सीट अपने आप उठ जाएगा। ये देखना, ये लेवल देखना आप, हाँ ये उठ जाएगा, देखना ये उठ गया और फिर बैठने से दब गया। मतलब ये जो सीट है, सीट में ये सिस्टम है, आप देखिए, ये देखिए ये कैसे यूज़ करना है लिखा हुआ है, 50, 70, 90, 130, और सीट भी कैसे एडजस्ट करना है। और यहाँ पे है वो एडजस्टिंग सिस्टम, यहाँ 50 जितना भी आपका वेट है उस हिसाब से आपको ये सेटिंग कर लेना चाहिए। ये देखिए ऐसे भी कर, ऐसे ऊपर नीचे किया जाता है, देखिए 130, 110 सब है। ये जो सिस्टम है इसमें ही आपका, जैसे आप अगर 80 किलो का है तो 80 यहाँ में 80 करके एडजस्ट कीजिए, और अगर आप 40-50 हो, पतला आदमी हो, तब भी आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए। तब क्या होगा, जो ये जार्किंग है ना, रास्ते में जब जार्किंग पड़ेगा ना, वो जार्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वेट के हिसाब से ये सीट आपको जंपिंग कराएगा। आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ में बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नया वीडियो जब भी अपलोड करूँ मैं, तब आपको जल्द से जल्द मिल सके। दो नंबर टिप्स यही है कि आप जब नया गाड़ी सीखने वाला हो तो आप कैसे बैठे गाड़ी में, कैसे सीधा स्ट्रेट बैठो, या राइट साइड बैठना चाहिए या लेफ्ट साइड बैठना चाहिए, तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वो है जब नया नया कोई गाड़ी चलाता है, तब देखना उसको, वो ऐसे पकड़ता है, ऐसे रहता है, आराम से ऐसे चलाता है, तो मालूम हो जाता है कि वो नया चला रहा है। तो मेरे हिसाब से एक काम करना चाहिए, आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड होना चाहिए। लेफ्ट साइड होने से क्या होता है, ये जो राइट साइड का गिलास है शीशा, उसमें बैक साइड आपको दिखने में भी सुविधा होता है। और जो गाड़ी जाता है ना, गाड़ी का जो अंदाज़ा है, जितना बड़ा गाड़ी है उसका अंदाज़ा आपको नया ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं होता है, इतना ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं मिलता है। इसलिए आप सीधा यहाँ में रहोगे तो राइट साइड का अंदाज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड का अंदाज़ा मिलने के लिए आपको लेफ्ट साइड में बार बार आपको देखना पड़ेगा। हम लोगों का, इंसान का जो दिमाग है, उसमें बार बार एक चीज़ जब देखोगे ना, तब अपने आप उसमें रजिस्टर हो जाता है। तो आप अगर बार बार ऐसे ऐसे चलाते रहोगे, थोड़ा बार बार इधर लेफ्ट साइड देखते रहोगे, तो आपका अंदाज़ा भी गाड़ी कितना बड़ा है वो भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा, और लेफ्ट साइड में ग्लास देखने का भी आपको सही तरीका मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, लेफ्ट साइड थोड़ा ऐसे करके, सीट बेल्ट लगाने के बाद भी आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड होकर चलाइए गाड़ी कुछ दिन के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा ज़िंदगी चलाना है, आपको जब अंदाज़ा लग जाएगा आप अपने आप सीधा हो जाओगे, तो पहले टेढ़ा करके ही थोड़ा सीखना ज़रूरी है। आते हैं तीन नंबर टिप्स में मैं यही बोलूँगा कि आप अगर नए नए गाड़ी सीख रहे हो तो आपको क्या करना है, गाड़ी का जो सीट है, ये सीट को थोड़ा आगे, मतलब आराम से मत बैठिए, ऐसे आराम से, हम लोग ऐसे आराम से चलाता है, ऐसे आप आराम से मत चलाइए। आप क्या कीजिए, आप थोड़ा आगे आइए, ऐसे आगे आके थोड़ा ऐसे आगे का एडजस्टमेंट भी आपको मिलेगा, गाड़ी का जो पूरा गाड़ी कितना बड़ा है वो भी इधर ज़्यादा मिलेगा अगर आगे बैठोगे तो। थोड़ा आगे आके आप गाड़ी को ध्यान से चलाइए, आगे बैठने से थोड़ा ध्यान जाता है, और पीछे आराम से बैठने से आप आराम से ब्रेक मारोगे, आराम से किसी गाड़ी को ठोक देगा। तो ये मत करना कभी, आप थोड़ा आगे जाके ऐसे स्ट्रेट होके सीट को थोड़ा आगे लाओ, पीछे का भी ये आगे ऐसे लेके आइए, लेकिन ऐसे कुछ दिन चलाइए, कुछ दिन आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए गाड़ी के ऊपर, तो आराम से मत चलाइए। यही मेरा तीन नंबर टिप्स है। अब आते हैं चार नंबर टिप्स में, यही है आप ऐसे गाड़ी में बैठे रहते हो तो आपको कभी इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, ऐसे है, ऐसे जा रहे हैं,
खपक से ब्रेक मार दोगे वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से ही रेडी रहना होगा कि इमरजेंसी ब्रेक किसको बोलता है। जो फटाक से आ जाता है, कुछ थप से ब्रेक मार देता है, उसी को इमरजेंसी बोलता है। तो इमरजेंसी में आपको भी इमरजेंसी ब्रेक मारना होगा। तो ऐसे आप ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहने से आपको ब्रेक पूरा दबाने में भी दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, या तो थोड़ा आम बोला था ना पहले जो 3 नंबर टिप्स में बोला था, आगे ऐसे थोड़ा देख के संभाल के चलिए, और नहीं तो एक काम कीजिए, थोड़ा ए सी रहना ये पीछे कर दीजिए। ये थोड़ा पीछे करने के बाद क्या होगा ना, आप आगे ऐसे चलाते रहिए, ठीक है, सीट बेल्ट मारने से ऐसे रहेगा आप। तो ये जब ब्रेक दबाएगा ना, ब्रेक के ऊपर आप ऐसे देखिए, ब्रेक मारने से पुशअप, ये ब्रेक मार दिया, देखिए पूरा स्पीड ब्रेक मारने से जो हम लोग का शरीर है ना, इसको आगे ऐसे खींचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेक दबाया, स्टीयरिंग को पकड़ के ऐसे ब्रेक दबाने से पीछे ऐसे रहता है, ये सीट से बहुत ये होता है, रिलेशन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सीट को ऐसे रखिए, ऐसे रखने से ना ऐसे प्रेशर नहीं पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा हला के रखिए, तब जाके ब्रेक मारने से आपका गाड़ी सही तरह से रुकेगा। अब आते हैं 5 नंबर टिप्स। 5 नंबर टिप्स यही है कि आप 3 नंबर और 7 नंबर टिप्स को सही तरीके से कैसे यूज़ करें, वो है। अब देखिए, जब ट्रैफिक होता है ना सिटी के अंदर, आप गाड़ी जब चलाते हो तो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में आप क्या कीजिए, जब ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा आप सीट को थोड़ा आगे ले जाइए। मतलब आपको गाड़ी अगर थोड़ा ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक होने से फटक फटक से ब्रेक मारना पड़ता है, इतना इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं होता है, तो इसलिए आगे रह के आपको थोड़ा सावधानी से आप गाड़ी चलाइए। जब आप हाईवे में किसी से एकदम खुला जगह में आप जा रहे हो, तब आपको क्या करना है, सीट को पीछे लाना है, थोड़ा आराम से बैठिए, क्योंकि आपको लॉन्ग जर्नी करना है, आराम से बैठिए। और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आप 3 नंबर वाला टिप्स अप्लाई कीजिए। तब क्या होगा, आपको ट्रैफिक में आपको सुविधा होगा, ऐसे आगे बैठने से आपका सुविधा ज़्यादा होगा, और पीछे जब मतलब हाईवे में आप चलाओगे, थोड़ा पीछे रहने से आपका शरीर आराम में रहेगा। हाईवे में चलाने से बहुत दूर दूर जाता है, तो 300-200 किलोमीटर आप चले जाते हो, तो इसलिए आगे बैठने से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पीछे आराम से बैठिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ स्पेसिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए दिन, नए तरीके, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।